चैप्टर फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन टू हमें दे रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। तो हमें अगर उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है तो इस कंडीशन को हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो सपोज कर लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज एक्स, हमने एज्यूम कर लिया एक्स मीटर कि इस प्लॉट की जो ब्रेथ है वो एक्स मीटर है एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो देखिए लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से टू टाइम्स से एक ज़्यादा है ट्वाइस। ठीक है, तो ब्रेथ की हो गई एक्स, उसके ट्वाइस से एक ज़्यादा उसकी लेंथ है। तो हमने लेंथ लिखा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 2x + 1 मीटर। ठीक है, तो उसकी लेंथ इतनी हो जाएगी क्योंकि लेंथ क्वेश्चन में दे रखा है, जो लेंथ है उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है। और द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया इतना दिया है। तो हमें पता है एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, तो लेंथ हो गई 2x + 1 और ब्रेथ हो गई x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 528, क्या आना चाहिए 528। तो हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए 528 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सिचुएशन को सॉल्व करें और मल्टीप्लाई करें, 2x का x से मल्टीप्लाई करें इधर पे, तो 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 528। इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर x इज इक्वल टू 528। तो 2x² + x 528 को इस तरफ ले आएंगे तो 500 माइनस में हो जाएगा 528। तो गिवन इक्वेशन जो होगी उसका जो सिचुएशन है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये जो क्वेश्चन है या जो सिचुएशन है इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, दो कंजुगेटिव इंटीजर्स। देखिए कंजुगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, सपोज करो एक इंटीजर 3 है तो उसके आगे क्या होगा 3 + 1 मतलब 4। तो अगर x होगा इंटीजर तो उससे आगे का इंटीजर होगा x + 1। तो हमने एज्यूम कर लिया, हम सोल्यूशन कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, सोल्यूशन लेट द कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स एंड x + 1। अगर हमने एक इंटीजर x माना है तो उसका कंजुगेटिव जो हो जाएगा नेक्स्ट x + 1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इसका मतलब x * x + 1 कितना होना चाहिए 306। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं x का x से x स्क्वायर, x का 1 से, तो x इज इक्वल टू 306। तो x² + x 300 को इस साइड ले आएंगे तो इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन था, ये जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, उसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल था, कंजुगेटिव इंटीजर थे तो हम लोगों ने एक इंटीजर x माना तो अगला हो जाएगा x + 1। हम लोग एक इंटीजर अगर x माने तो अगला इंटीजर x - 1 भी ले सकते हैं, मतलब उसके पीछे का इंटीजर है ना। जैसे हमने यहाँ पे 3 माना था उसका नेक्स्ट कहता था 4, इसके एक पीछे हो जाएगा 2। तो हम लोग अगर इसको x बोल रहे तो नेक्स्ट x - 1 भी लिख सकते थे, और नेक्स्ट अगर लिखना है तो x ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी हमने मान लिया कंजुगेटिव, एक अगर x है तो एक x + 1 है, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से जैसे मैंने बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमने इंटीजर एक हमने अगर x लिया है तो दूसरा इंटीजर हम लोग x
ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी जैसे मैंने बताया कर सकते रहे। अगर हम लोग इंटीजर मानते, अगर इंटीजर हम लोगों ने अगर एक एक्स माइनस वन और एक एक्स मानते, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो होता 306। इससे भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते रहे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी सोल्यूशन करेंगे तो वही सोल्यूशन आएंगे जो वहाँ से मिलेंगे, इस इक्वेशन से सोल्यूशन मिलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है कि नेक्स्ट पार्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की मदर उसकी उससे 26 ईयर ओल्डर है, ठीक है, मतलब उसकी एज, उसकी मम्मी की जो एज है, उसकी मदर की जो एज है, उसकी एज से 26 ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद इन दोनों की जो एजेस हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहनस प्रेजेंट एज। हम लोग रोहन की प्रेजेंट एज जानना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, लेट द रोहनस प्रेजेंट एज एक्स है, एक्स ईयर का है। मान लेते रोहन की जो प्रेजेंट एज है आज वो एक्स ईयर का है। तो सिंस रोहनस मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, तो क्योंकि रोहन की मदर उससे 26 ईयर ज़्यादा है, तो सो द रोहनस मदर एज विल बी एक्स प्लस 26 ईयर। होगी कि नहीं होगी, उसकी मम्मी की जो एज होगी वो एक्स प्लस 26 ईयर होगी। आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर की बात करें तो 3 साल बाद द एज ऑफ रोहन विल बी कितनी हो जाएगी। रोहन की जो एज होगी वो हो जाएगी, रोहन की एज होगी आज से 3 साल बाद। अगर वो एक्स साल का आज है तो आज से 3 साल बाद उसकी एज होगी एक्स प्लस 3 ईयर होगी। और उसकी जो मदर की एज होगी वो उसकी एज से कितनी होगी, वो भी बढ़ जाएगी, 3 साल और बढ़ जाएगी। 26 अभी है, एक्स प्लस 26 इधर है, तो 3 ईयर और इंक्रीज हो जाएगी, तो हो जाएगी एक्स प्लस 29 ईयर हो जाएगी उसकी मम्मी की एज, उसकी मदर्स एज जो होगी वो एक्स प्लस 29 ईयर होगी। ठीक है, कितनी होगी, एक्स प्लस 29 ईयर, ठीक है, उसकी मदर की एज। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, ये रोहन की एज होगी और उसकी मदर की जो एज है, इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 300 कितना है, 360 है। ठीक है, तो 360 है, इसको हम लोग सॉल्व कर दें, अगर एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर एक्स का 29x और यहाँ पे 3x और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 29 × 3 360, ठीक है, एक्स स्क्वायर 32x यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 माइनस इक्वल टू 360। इसको सॉल्व कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 माइनस 306 360 है इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, 360 में से 87 को माइनस कर देते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब उसकी एज उससे ज़्यादा है, 26 ईयर ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, 3 साल बाद उनकी जो एजेस का जो प्रोडक्ट है, मतलब एज का जो प्रोडक्ट है, रोहन की एज और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट 360 होगा। वाट वुड बी वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहनस प्रेजेंट एज, ठीक है, तो मान लेते हैं रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो एक्स ईयर का है, मतलब रोहन जो आज है वो एक्स ईयर का है, उसकी एज जो है वो एक्स ईयर है। तो सिंस द रोहनस मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो क्योंकि रोहन की मदर उससे 26 ईयर ओल्ड है, तो उसकी जो आज एज होगी, रोहन की मदर की जो एज होगी वो एक्स प्लस
26 ईयर होगी। अगर रोहन की एज एक्स है तो आज रोहन की मदर की एज एक्स प्लस 26 ईयर होगी। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर 3 ईयर, आज से 3 साल बाद द एज ऑफ रोहन। तो एज ऑफ रोहन कितनी होगी, एक्स प्लस 3 ईयर, क्योंकि आज से 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3 ईयर। और उसकी मदर की जो एज होगी, आज उसकी मम्मी जो है, उसकी मदर जो है एक्स प्लस 26 ईयर की है, तो 3 साल बाद एक्स प्लस 29 ईयर की हो जाएगी, एक्स प्लस 29 ईयर की हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी, आज से 3 साल बाद, मतलब रोहन की एज एक्स प्लस 3 और उसकी मदर की एज एक्स प्लस 29, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 360। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन करें, तो x का x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस x का इससे मल्टीप्लाई होगा 29x, इस x का 3 से होगा तो 3x, और 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 87, ठीक है 360। तो यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे, अब एक्स स्क्वायर प्लस इस दोनों को ऐड हो जाएगा 32x, ठीक है 87 माइनस 360 इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर 22x माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 360 में से हम लोग माइनस करेंगे 87, तो यहाँ 3 और यहाँ पे आ जाएगा 7 आई थिंक, ठीक है तो यहाँ 270, ठीक है ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है तो इधर आ गया हमारे पास 273 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो गिवन सिचुएशन है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है तो ये क्वाड्रेटिक जो गिवन सिचुएशन है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कंडीशन होगी। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट पार्ट है लास्ट पार्ट जो है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए एक ट्रेन है वो 400 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, 400 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए है ना करती है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो सपोज करते हैं कि क्वेश्चन देखिए एक बार समझते हैं एक बार फिर से, कि ट्रेन है वो एक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 400 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसी स्पीड से, सपोज करो वो स्पीड एक्स है, तो इस स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे कुछ समय लगता होगा। अगर हम इसकी स्पीड को न्यू स्पीड अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इस स्पीड को कम कर दें, ठीक है अगर हम लोग इसकी स्पीड को एक्स माइनस क्या कर दें, एक्स माइनस 8 मतलब 8 किलोमीटर कम कर दें, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो 3 आवर मोर समय लेती है, ज़्यादा समय लेती है। यहाँ पे जो समय था सपोज करो कुछ समय था टी, अब जो समय था टी वो बढ़ गया, अब टी प्लस 3 आवर समय लेती है वो ट्रेन। तो देखिए स्पीड सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स किलोमीटर पर आवर, हमने एज्यूम कर लिया ट्रेन की जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल द डिस्टेंस 400 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, तो इस स्पीड से इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, टाइम जो होता है, ठीक है हम लोग जानते हैं स्पीड जो होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस हमें पता है 400 किलोमीटर और स्पीड पता है एक्स, तो टाइम हो गया। इफ द स्पीड हैड बीन फॉर एट है ना, हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द न्यू स्पीड, तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दें तो न्यू स्पीड हो जाएगी एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर विद न्यू स्पीड, इस न्यू स्पीड से इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो इतनी ही है 400 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया, इस बार जो स्पीड हो गई वो एक्स माइनस 8 हो गई, ठीक है तो ये हो गया।
हमने एज्यूम किया स्पीड इतनी, तो इस स्पीड से 400 किलोमीटर डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। अगर स्पीड को हम कम कर दें 8 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 8 हो जाएगी। तो इस स्पीड से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा ये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो समय है, ये वाला समय 8 घंटे ज़्यादा है पहले वाले समय से, है कि नहीं। तो अगर हम लोग बात करें तो जो पहले वाला समय था है ना, वो समय कम है, और जो बाद वाला समय है वो ज़्यादा है। तो देखिए इन दोनों में इसका मतलब जो अब जो समय आएगा, जो नया समय है वो ज़्यादा है, और पुराना जो समय था वो कम था। तो इसका मतलब नया समय ज़्यादा है, तो नया समय ज़्यादा मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, पुराने समय और नए समय का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस, ये न्यू है, न्यू टाइम है, और ये पुराना समय है, ओल्डर ओल्डर टाइम है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 एक्स इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस कंडीशन को अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इससे 480 हम लोग कॉमन ले रहे हैं दोनों भी क्वांटिटी से, तो x माइनस 8 यहाँ पे बचेगा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, 480 एलसीएम ले लेंगे नीचे x माइनस 8 और x का, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x, यहाँ पे x माइनस 8 ठीक है इक्वल टू 3, देखिए यहाँ से कट जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, 3 सिक्स जा 18 ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 160, और यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 ठीक है। तो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो 160 इंटू 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 48 ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है ठीक है, यहाँ पे एक्स आएगा, तो हमारे पास जो सिचुएशन आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 8x इसको माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन का जो है वो क्वाड इक्वेशन है, या इस गिवन इक्वेशन का क्वाड इक्वेशन में कंडीशन है, ये हमने इस इक्वेशन को क्वाड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया ठीक है। तो इस सिचुएशन का क्वाड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया।